कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर के कुछ रास्ते ऐसे हैं कि जैसे वो बनने का नाम ही नहीं लेते। इस पर हमारे रिपोर्टर ने की एक पड़ताल, आइए आप भी देखें इस पड़ताल के नतीजे। आपको याद होगा कि कोरोना काल के पहले 2019 के समय में जो है उल्हासनगर के अंतर्मार्ग 4 की जो कई जगह थी जहाँ पर रास्ता भाग्य चौक के आसपास एक मुहूर्त किया गया था ताकि उनको रास्तों को जो दुरुस्त किया जाए। कई बड़े नेता जो थे उस समय वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से जो कि अब परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है, धीरे धीरे सब चीज़ें जो है खुल रही है और लोगों का जो है आवन जावन हो रहा है, तो ऐसे में जो है लगातार हमें शिकायत जहाँ से आ रही है रास्ता जो है आप देख सकते हैं कि बाबा साहिब नगर का प्रवेश द्वार ये रास्ता जो है 4 नंबर 3 नंबर को छोड़ता है और लाल चक्की परिसर की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है पास दुकान का जो रास्ता है यहाँ पे काफ़ी विकट समस्या है कि यहाँ पे जो रास्ता है काफ़ी ख़राब हो रहा है। साथ ही साथ आसपास में जो किनारे हैं वो भी ख़राब है, जिसकी वजह से पानी जो है इन गड्ढों में भर जाता है और रोज़ाना यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटनाएँ होती रहती है। इसके साथ ही आसपास के और भी जो रास्ते हैं वहाँ पर भी हालत खस्ता है। मुहूर्त किया गया था रास्ता बनाने का, लेकिन जो है वो ये कहना है स्थानीय नगर सेवक का कि कहीं ना कहीं कोरोना काल के वजह जो है वो रुक गया, लेकिन अब जो है जिस तरीके से शहर में अन्य जगहों पर जो कि विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं और जो दुरुस्ती के काम देखने को मिले, तो सवाल ये उठने लगा है कि इन रास्तों को आखिरकार क्यों नहीं बनाया जा रहा। एक और कहना यह है कि फंड जो है पास कर दिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा, लेकिन उसमें जो देरी हो रही है उसके वजह से रोज़ाना यहाँ के आसपास की दुकानदार और साथ ही जो रहवासी हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरीके से जो कि मुहूर्त किया गया था, हम समझ सकते हैं कि कोरोना के समय में जो है कार्य रुक गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो कार्य बचनी चाहिए ताकि जो है रोगों को राहत मिल पाए और जो दुर्घटनाएँ लगातार यहाँ पर हो रही हैं जिसकी वजह से लोग गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैमरा पर्सन शाहरुख खान के साथ मैं कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।